स्वागत है किसान भाइयों हमारे चैनल फार्मिंग टीम में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए। हम लोग आज बात करेंगे एक ऐसे खेती के विषय में जो कि ये एक विदेशी फसल है, जो कि इसको करके किसान लोग काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। आज के दौर में देखा जाए तो इसकी खेती काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। तो अगर फसल की बात की जाए तो ये फसल है ब्रोकली की खेती की। तो हम लोग ब्रोकली की खेती में जानेंगे कि शुरू से लेके अंत तक जो चीज़ें हैं, इनसे जुड़ी बातें हैं, वो सब चीज़ हम जानेंगे। जैसे अगर बात करते हैं ब्रोकली की खेती के विषय में, तो सबसे पहले हम भूमि का चयन करते हैं। तो भूमि का चयन क्या होना चाहिए, पीएच मान क्या होना चाहिए, हमारा शुरुआत करने के समय जलवायु जो होता है वो कैसा होना चाहिए, क्या खाद डालना चाहिए, क्या बीज दर होना चाहिए, कितना आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना इनकम होना चाहिए, तो वो सभी चीज़ों के विषय में हम लोग इस वीडियो में अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ब्रोकली के बारे में पहले जानते हैं कि ऐसे किसान भाई जो जानते हैं कि ब्रोकली क्या होता है वो तो करेंगे, लेकिन हम उन किसान भाइयों के लिए भी बात कर रहे हैं जो किसान भाई नए हैं, जो ब्रोकली के विषय में नहीं जानते हैं। तो उनको हम बता दें कि ब्रोकली होता क्या है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये एक विदेश की फसल है जो कि गोभी की तरह ही होता है, जो कि इसका यूजेज जो होता है गोभी की तरह ही किया जाता है सब्जी में और सलाद वगैरह में, लेकिन जो इसका मार्केटिंग होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होता है, ये एक सीमित एरिया में होता है। जैसे बात करें तो होटल, बड़े बड़े जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, या जो आपके नज़दीकी हॉस्पिटल हैं, उन जगहों पे इनका ज़्यादा डिमांड होता है। तो लेकिन अगर बात करें हम फायदे का, तो ये फायदे की खेती है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि कैसे शुरू करें, क्या मिट्टी का चुनाव होना चाहिए, कितना फ़ायदा होगा, कितना पूरा हम लोग ए टू जेड प्रोसेस जानेंगे इस खेती को करने के लिए। तो बात करें हम लोग मिट्टी के चुनाव का, तो सबसे पहले जो हम मिट्टी देखते हैं ये ब्रोकली खेती के लिए, तो ब्रोकली खेती के लिए जो मिट्टी होना चाहिए ये बलुई दोमट मिट्टी होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा आपका पौधे का ग्रोथ होता है। अगर हम पीएच का बात करें, जो मिट्टी का पीएच होता है वो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पीएच, और जो ये टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए ब्रोकली की खेती के लिए। अब हम बात करें समय का कि हम किस समय में ब्रोकली की खेती कर, तो हम लोग बात करें कि ब्रोकली की खेती किस समय में की जानी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले तो जो पौध है, जैसे हम नर्सरी बनाते हैं सीडलिंग का, तो सीडलिंग के नर्सरी बनाने के लिए हमारा जो उचित समय हो वो कब होना चाहिए, क्या बीज दर होना चाहिए, किस समय में हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। अगर हम बात करें सीड रेट का, 1 एकड़ में अगर हम ब्रोकली खेती करना चाहते हैं तो जो सीड रेट होना चाहिए आपका वो 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम होना चाहिए सीडलिंग। अगर आप जो बेड बनाते हैं, नर्सरी बनाते हैं इसको तैयार करने के लिए, पौध तैयार करने के लिए, तो इसका जो उचित समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर तक उचित समय होता है पौध तैयार करने के लिए। अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटिंग का समय, तो ट्रांसप्लांटिंग लायक ये आपका 4 से लेके 5 सप्ताह के बीच में एकदम रेडी हो जाता है। आप ओपन फील्ड में या पॉली हाउसेज में आप इसको डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं। तो ये देखा जाए तो 30 से 35 दिन में आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं ये जो ब्रोकली की आपका पौध है। तो अगर हम बात करें मैच्योरिटी का, तो मैच्योरिटी ये आ जाता है आपका 60 से 70 दिन में आप हार्वेस्ट इसको कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हैं जो आपको लगाने से लेके आप हार्वेस्टिंग तक, लेकिन इनके बीच में जो प्रोसेस है कि हम इनकी खेती करने के लिए क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब हम बात करें कि फसल करने की, तो हम सबसे पहले बेड बनाते हैं, जो हमारा फील्ड है उसको तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेबलर वगैरह जो भी जुताई करते हैं, कम से कम 2 बार जुताई करें आप खेतों की, उसके बाद रोटावेटर चला दें जिससे मिट्टी आपका एकदम भुरभुरा हो जाए। उसके बाद आप जो बेड बनाते हैं तो बेड बना के भी कर सकते हैं आप, विदाउट बेड के भी कर सकते हैं। जब आप मल्चिंग
माध्यम से, इरिगेशन के माध्यम से, जो टपक सिंचाई होता है, इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, अगर उसके माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको तो बेड बनाना होगा। अगर आप विदाउट ड्रिप और मल्चिंग के करना चाहते हैं तो आप ओपन फील्ड में ऐसे लगा सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आज ड्रिप और मल्चिंग के विषय में भी कि उनके माध्यम से अगर करना हो तो सबसे पहले तो हम जो बेड बनाएंगे तो बेड हमारा होना चाहिए कम से कम 8 इंच से लेके 1 फीट तक ऊंचाई होना चाहिए और हमारा 1.5 फीट चौड़ाई होना चाहिए बेड का, एक बेड का जो बता रहे हैं। बात करें बेड से बेड की दूरी, तो बेड से बेड की दूरी कम से कम आपका 2.5 फीट होना चाहिए। जो ब्रोकली की खेती है 2 से 2.5 फीट अगर रहता है तो आपका पौधा में एरेशन और काफ़ी ग्रोथ होता है पौधे का। जो दूरी है वो आपका पौधा से पौधा की जो दूरी है वो 1 फीट से 1 फीट की दूरी होना चाहिए आपका जो बेड आप बनाए हैं। दूरी के बाद आप जो लगाने से पहले का प्रिपरेशन होता है उसमें आप बेडों पे जो बेसल डोज डाला जाता है, तो बेसल डोज के बारे में हम आपको बता देते हैं कि आप SSP, MOP और DAP इसका एक मात्रा बनाते हैं जिसमें 50 kg DAP रहेगा, 50 kg SSP, 50 kg MOP और उसके साथ आप 2 ट्रॉली कम से कम 1 एकड़ की खेती करने में 2 ट्रॉली आप गोबर मिक्स करके आप बेडों पे डाल सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन जो है वो हाई होता है। तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन इसका कम से कम आपका 4 टन से लेके 5 टन तक होता है 1 एकड़ में। तो अगर हम मार्केटिंग का बात करें तो मार्केटिंग आपका लोकल मार्केट में भी कम से कम 20 से 25 रुपये केजी इसका मिलता है, जिसके हिसाब से हम अनुमान लगाएं तो कम से कम हमारा 1 लाख रुपया आता है ब्रोकली की खेती से। अगर आपका रेट मार्केट में ज़्यादा रहा तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। खर्च का बात करें तो खर्च आपका कम से कम 30 से 40 हज़ार प्रति एकड़ खर्च आ जाता है, अगर ड्रिप मल्च और फर्टिलाइज़र वगैरह का बात करते हैं तो। अगर मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी ये 60 से 70 दिन का फसल है, जिसको लगा के आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मौसम आपको हम बता चुके हैं कि ये मौसम जो है ये आर्द्र जलवायु में किया जाता है, जैसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, जिसमें आपका अच्छा जो ग्रोथ है वो होता है, अच्छा प्रोडक्शन आता है। तो ये खेती करके आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग अगले फसल के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।